जिला जालौन के काल्पी का एक मामला सरस्वती ज्ञान मंदिर जूनियर हाई स्कूल राजघाट का है, जहां पर सरकार द्वारा बच्चों को निशुल्क खसरा और रूबेला के इंजेक्शन लगवाए जा रहे हैं। वहीं काल्पी के सरस्वती ज्ञान मंदिर विद्यालय में प्रधानाचार्य को बिना सूचना दिए खसरा रूबेला के टीके लगाए जा रहे थे। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काल्पी की एएनएम विनीता द्वारा स्कूल के बच्चों को खसरा और रूबेला का एक इंजेक्शन लगाने के बाद लापरवाही करते हुए दोबारा उसी बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उस विद्यालय में हड़कंप मच गया। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने एएनएम विनीता से जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने पत्रकारों से ही प्रूफ करने की बात कह डाली और अपनी गलती को स्वीकार करने से पीछे हटती रहीं। वहीं जब इस संदर्भ में सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि एएनएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक अनूप अवस्थी से बात की तो उन्होंने उस एएनएम को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। जालौन से सोनीपत 24 के लिए अनिल प्रजापति की रिपोर्ट। किस कक्षा में पढ़ते हैं? ये जो खतरा रुबेले के टीकाकरण हो रहा है, इसमें आपको दो बार टीके लगे, कैसे लगे? हम बैठे थे, लगा रही थी तो बीमारी में, तो उन्होंने लगा दिया। पहले एक लगाया, उसके बाद दोबारा में फिर लगा दिया। आज ही दो बार लगा दिया। अच्छा, अभी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी तरीके से? कौन किसने लगाया है आपको टीके? वैक्सीन लगा दी तो पहले हम ये बता दें कि डबल वैक्सीन लगने की वजह से इस बच्चे को कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने सबसे पहले ये कहा था कि अगर किसी बच्चे को वैक्सीन पहले एक बार लग चुकी है तो क्या इस राउंड में उसे वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये था कि अगर बच्चे को दोबारा वैक्सीन लगा दी जाती है तो इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि बच्चे को एएनएम के द्वारा दूसरी वैक्सीन लगा दी गई है, हम लोगों के द्वारा राउंड से पहले बता दिया गया था कि एक बच्चे को अगर वैक्सीन लगाने के बाद अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही राउंड में करी जाएगी तो आपकी गलती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज इस एएनएम के द्वारा सुबह भी लेट काम शुरू किया गया, जिसका फीडबैक मेरे पास है। आज सीएनएम के द्वारा डबल वैक्सीन लगाई गई, इसको इसने बाद में एडमिट कर लिया है। तो हमारी तरफ से आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी यूआईपी को इनके सस्पेंशन के लिए कार्रवाई के लिए तुरंत भेज दिया जाएगा, जिसकी कॉपी आपको भी उपलब्ध करा दी जाएगी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अरे वो कोई बात नहीं, मैंने कहा हम अगर तुम पहले से तय कार्यक्रम होता तो हम काल्पी नगर क्षेत्र के सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल की कक्षा 7 का एक छात्र है अखिलेश यादव, जिसकी उम्र लगभग 12 साल है और इसको एएनएम श्रीमती विनीता अहिरवार द्वारा एमआर का टीका गलती से दो बार लग गया है, लेकिन बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। और इसमें मुझे ये कहना है कि दो बार टीकाकरण होने से, एमआर कैंपेन में दो बार टीकाकरण होने से भी बच्चे के ऊपर कोई नुकसान नहीं होता है, कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। चूंकि बच्चे के अंगूठे पर निशान छूट गया था पहली बार लगाने से, इस कारण से ये एएनएम द्वारा गलती हुई है, परंतु फिर भी एएनएम से गलती तो हुई है, इसलिए हम एएनएम के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे। दोबारा लगाया है, अगर किसी ने देखा है तो उसको प्रूफ करके। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब भी जो है बोल रहे हैं कि जो टीकाकरण हुआ है, बच्चा भी बोल रहा है कि पहले हमको बैठाला गया, उसके बाद दोबारा में फिर हमको टीका लगा दिया गया। और ये चीज डॉक्टर साहब ने भी अभी बोली है यहाँ तो जो है उसको डबल डोज मिली है। अगर भाई सबको सबकी नजर में है दूसरा लगा है, लेकिन हमारी जान में दूसरा नहीं लगा है। अच्छा। अगर लगा है सबकी नजर में तो हम कहते हैं किसी ने देखा, कोई बताया? डॉक्टर साहब हमारी तरफ से इसलिए कबूल कर रहे हैं कि हमारे विभाग से हैं, अगर गलती हुई है तो वो मान करती हैं भाई, अगर लग गया होगा, लेकिन किसने देखा है? बच्चा भी बोल रहा है, जिसको लगा है उसको तो पता होगा ना कि एक बार लगा है या दो बार लगा आप ही। अरे लगाने को तो बहुत सारे बच्चे आते जाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है मैडम। आपका आप पहला टीका भी उसी के लगा था, और बच्चों के मार्कर लगा दिया जाता है हाथ में, तो आप लोग एक ही बार लगा दिए, एक ही बार लग रहा है। नहीं मैडम, आप नहीं मानती कि ये चूक है आपके द्वारा? हुआ है मतलब आपका कहना है कि मैंने एक ही बार लगाया है?
जैसे कि बच्चा बोल रहा है कि हमको टीका दो बार लगा है। मैडम आप ये गलती मानती हैं या नहीं? अगर लग भी गया है दूसरी बार तो उसकी कोई इंजेक्शन करने वाले कोई प्रश्न नहीं है। हम उसको अपनी नजर में भी रखते हैं, अच्छी तरह से केयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमारा विभाग वाला भी देख रहे हैं सब लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने स्वीकार किया है कि उन्होंने डबल टीका लग गया और बच्चा अपनी पाया, बच्चा जो है बता रही है कि मैंने सोचा दूसरा बच्चा आ गया है तो उसने लगा दिया उसको, तो इस तरह से उसने दो बार तो बच्चा लापरवाही मानते हैं या नहीं? ये लापरवाही है कि मतलब डबल टीका लग गया, डबल नहीं लगना चाहिए। बच्चे को किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो बच्चे को मैंने एग्जामिन कर लिया है, बच्चा नॉर्मल है, उसके वाइटल सारा दस्तावेज।